नमस्ते, कैसे हैं सब कोई? वेलकम बैक टू मेरे घर का खाना एंड टू द मच अवेटेड रेसिपी जो आई थिंक ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने हो गए ना इस रेसिपी की डिस्कशन शुरू हुए. मक्के की रोटी और सरसों का साग. जस्ट लाइफ के पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी कि मक्के की रोटी होती है कि मक्के की रोटी होती है. तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या होता है. आई थिंक वो पंजाबी ट्विस्ट देंगे तो मक्के की रोटी होती है ना. तो आज फाइनली वो रेसिपी बन रही है और आज वो बन रही है यहाँ मेरे स्टूडियो किचन में. इट हैज मेनी रीजंस. एक तो मुझे बहुत स्पेस चाहिए था क्योंकि ये काफी इलैबोरेट रेसिपी है बट बहुत इजी रेसिपी है, तो डरिए नहीं. एंड सेकेंडली आई वांटेड टू शो यू माय न्यू काउंटर, सो वी कम टू ऑल ऑफ दैट, बट आई विल स्टार्ट विद द रेसिपी. रेसिपी बहुत इजी है एंड ये जो रेसिपी है ये 100% मैं कह सकती हूँ कि ट्रेडिशनल रेसिपी है लेकिन सिंप्लीफाई की भी है. तो मैंने मतलब अपनी मासियों से बात की है, मामियों से बात की है, नीलम दीदी से बात की है, सबसे बात की है एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन जो मेरी मम्मी बनाते थे वो एकदम परफेक्ट रेसिपी है. तो हम स्टार्ट करेंगे उस रेसिपी से विच इज वेरी इजी एंड येट एब्सोल्यूटली ऑथेंटिक. ओके, सो यहां मेरे पास एक कुकर है जो आपको शायद दिख रहा है. इसमें मैंने करीबन 2 ग्लास पानी डाला है एंड उसमें नमक थोड़ा सा डाला है एंड उसमें मैं डालूंगी सरसों का साग. सो ये सरसों के साग में सरसों का साग तो पड़ेगा ही ना, आई एम गोना शो यू व्हाट इट रियली लुक्स लाइक, पर टाइम बचाने के लिए मैंने काट के रखा है. इसमें पड़ेगी थोड़ी सी मेथी और पड़ेगा थोड़ा सा पालक. ओके, सो ये तीनों चीज पड़ेंगे. हाउ इट विल गो आई विल शो यू. पहले जाएगा सरसों का साग, तो मैं उसे डालना शुरू करती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू कि सरसों का साग एक्चुअली लगता कैसे और उसे कैसे काटना होता है. पर मैं मेन प्रोसेस शुरू कर रही हूँ, ठीक है? तो ये अब थोड़ा थोड़ा हमें डालना है इस पानी में जो उबल रहा है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा डालना है. ये देखने में बहुत ज्यादा लगता है लेकिन बिलीव इट और नॉट मिनटों में ये एकदम विल्ट होके नीचे चले जाएगा. तो ये सारा साग जो है ये मेरे कुकर में बड़ी आसानी से अट जाएगा. ओके, तो मैं डाल रही हूं और इसे लहका से थोड़ा थोड़ा डालना होता है. पहले इसमें थोड़ा डाल दिया, अब इसको हल्का सा हम उबलने देंगे. जैसे ये उबलना शुरू हो जाएगा और थोड़ा विल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम और डाल देंगे. ऑलराइट, तो अब जब ये उबल रहा है लेट मी शो यू व्हाट सरसों का साग एक्चुअली लुक्स लाइक एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ये सरसों का साग. इसके ना ये देखो इस तरह से ये स्टेम्स होते हैं. तो कई लोग क्या सिर्फ पत्तों से बना लेते हैं तो वो रियल फ्लेवर नहीं आता है. ये जो है इसे गंडल बोलते हैं. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप इसमें इंक्लूड करो. लाइक दे आर लिटरली लाइक दिस, यू नो, तीन पार्ट के ऐसे होते हैं. तो ये पूरा पूरा का पूरा आपको यूज करना होता है. जो बहुत लंबा होता है वो एज आप अवॉइड कीजिए बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा बिटर हो सकता है. बट यू रियली नीड टू नॉट अवॉइड दिस कंडल्स बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो मैं इसे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से कट करना है. इसको बारीक बारीक कट करना होता है इस तरह से. And that is really the most flavorful part of सरसों का साग. And हमेशा जब आप बनाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा you know जिस तरह से ये process होता है, you always make extra and freeze it. तो जब खाना हो, जो portion खाना हो उसे तड़का दिया और उसे खा लिया और बाकी का जो है उसे freeze कर लिया, फिर जब मनाए फिर से बना लिया. तो हम तो हमेशा ऐसे करते हैं. एटलीस्ट 2 से 3 बार हम खा सकते हैं एक बार जो बनाने की एफर्ट है उसमें. ऑल्सो क्योंकि ये इतना सीजनल होता है, सीजन में आता है, तो आप चाहते हैं कि खूब सारा एक साथ बना लें एंड खूब सारा खाएं, राइट? सो इट्स दैट लिटिल ग्रीड व्हिच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मेकिंग यू डू ऑल दिस एंड मेक लिटिल एक्स्ट्रा. ओके, अब आप देखिए कि ये नीचे जा चुका है. अब मैं इसमें और ये डालूंगी. तो जो पहले मैंने चॉप किया है वो डाल देती हूँ. Now the important part for you to see is थोड़ा पास आ जाइए प्लीज. ये जो ऐसे फ्रॉथ हो रहा है ना, दिस आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, ये जो व्हाइट पार्ट है दिस इज द बिटर पार्ट एंड ये हमें निकालना है. पर हम अभी नहीं निकालेंगे, पहले ये सारा साग इसमें चले जाए
उसके बाद हम निकालेंगे. सॉरी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग माय हैंड्स एंड स्टार्ट डूइंग इट द देसी वे बिकॉज शूट के लिए हम चीजों को थोड़ा ग्लैमराइज कर देते हैं लेकिन एक्चुअली जब बनाना होता है तो वी हैव टू गेट रियली डाउन टू द बेसिक्स. तो अब ये जैसे ही थोड़ा और बॉइल होने लगे आई एम गोइंग टू बी चैटिंग विद एवरीबडी सो डोंट यू वरी. बस मैं ये प्रोसेस शुरू कर दूं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. अब ये जो पानी है ना ये बेसिकली बिटर हो जाएगा, तो जैसे ही ये निकलेगा सारा इसमें सरसों पड़ जाएगा, विल्ट हो जाएगा और फिर जो फ्रॉथ आएगा उसे मैं निकाल दूंगी. एंड वी आर गोइंग टू चेंज दिस वाटर, आई एम गोइंग टू ऐड सम फ्रेश वाटर बिफोर आई ऐड द पालक एंड द मेथी. तो वो छन्नी ले आओ प्लीज अश्विनी. ये नाइफ का भी काम शायद हो गया या रहने दो, बाद में लगेगा. ओके अब हमारे बिल्डिंग में लाइक आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू अर्लियर काम चल रहा है. तो यूजुअली जब मेरा कुछ ऐसे लाइव होता है या कुछ इम्पोर्टेंट शूट होती है तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि शांति रखना प्लीज, आज मैं भूल गई. तो अभी लाइव शुरू हुआ है और इनका काम भी शुरू हो गया है. ओके सो नाउ डू यू वांट टू कम लिटिल क्लोजर एंड शो देम द फ्रॉथिंग. आ जा रहा कोई बात नहीं, हेलो भी बोल दे सबको आके, सब लोग प्रीति से मिले हैं. हाँ हाँ उधर से यू कम देयर इफ यू वांट. सो क्लीन एज यू गो, वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रा व्हाइल कुकिंग. ओके नाउ यस नाउ यू कैन सी ऑल दिस फ्रॉथ, दिस इज ऑल द बिटर वाटर व्हिच वी नीड टू गेट रिड ऑफ. तो अब मैं इसे इस तरह से इस छन्नी के हेल्प से निकाल रही हूं. ये जो पालक है जो थोड़ा बहुत निकल रहा है वो मैं वापस इसमें, नॉट पालक सॉरी सरसों, वो मैं वापस डालूंगी. सो दिस इज द बिटर वाटर विच आई नीड टू रिमूव. सो आई विल आल्सो रिड्यूस द फ्लेम, इट्स विगरसली बॉइलिंग, जस्ट बी केयरफुल ऑफ द हीट. हाँ ये जो सारा पानी है इस तरह से आप दबा के ऑलमोस्ट सारा निकाल लेंगे तो इसका जो वो एक पिक्यूलियर कड़वाहट होती है वो निकल जाती है. बट सरसों इज नॉट एक्चुअली कड़वा, इट हैज दैट यूनिक फ्लेवर, बट बिकॉज इट्स अ लीफ, इट्स अ वाइल्ड लीफ, सो देर आर सर्टन यू नो जो बहुत पहले से होते आ रहा है ये जो प्रोसेस है हमारी माए हमारे एंसेस्टर्स ने किए हैं. They have figured out a way of making this into a perfect sabzi, and one of them is removing that initial frothy water. Can you repeat why you're doing this once again? Why I'm doing this? Okay, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो सरसों जो शुरू में जो उबलता है ये देखिए ऐसे इसमें ना वो ऐसे पित होती है जो उसका जो कड़वाहट होता है वो निकल रहा है, तो ये पानी मैं निकाल रही हूँ ताकि जो सरसों का जब हम साग खाएं तो उसमें वो दैट पेक्यूलियर बिटरनेस इज नॉट देयर, जस्ट द फ्लेवर ऑफ सरसों इज देयर. ओके सो सारा तो आप निकाल पाओगे नहीं बट मोस्ट ऑफ द वाटर अगर आपने निकाल दिया यू आर क्वाइट सॉफ्ट. ठीक है तो ये हो गया. अब ये जो थोड़ा सा पालक बचा है आई मीन इसमें आ गया, आई एम गोना पुट इट राइट बैक अगेन. आई सेड पालक, वो आज का वर्ड फॉर मेसिंग अप इज पालक. तो जो सरसों है वो मैं वापस रखती हूँ. अश्विनी प्लीज ले जाओ. Okay, now what am I going to do? Now is the time to add the palak and the yadavans and the methi. Okay, तो अब पहले तो सॉरी पानी डालना है और जितना पानी हमने निकाला है उतना ही ऑलमोस्ट पानी हम
डाल देंगे। इसको 100 साल लगेंगे डलने में कवर के वजह से, तो कवर निकाल दिया जाए। राइट, ये अब पानी मैंने डाल दिया। ओके अगेन, बाय द टाइम इट्स बॉइलिंग तब तक हम बाकी के जो लीव्स हैं वो हम डाल देंगे। ओके अब क्योंकि हमने काफी सारा पानी निकाल दिया है तो उसमें जो सॉल्ट है वो भी निकल गया होगा, सो वी आर गोना ऐड अ लिटिल मोर सॉल्ट। सो बोला उनको मैं कुकीज खिलाऊंगी। हाँ अश्विनी, अश्विनी दीदी उनको बोला कि मैं कुकीज खिलाऊंगी। आवाज ना करे, काम खत्म हो गया। अरे वाह, तो चलो उनको कुकीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ये हटा ले प्लीज। ओके ओके नाउ इन गोस द रेस्ट। तो जैसे जैसे इसमें डालो वैसे वैसे नीचे का जो है उसे ऊपर कर लो। जस्ट कीप मूविंग द लीव्स सो दैट जो नीचे विल्ट हो गए हैं वो ऊपर आ जाएं और जो ऊपर वाले फ्रेश हैं वो गर्माहट से पानी को टच करके विल्ट होके नीचे चले जाए। ओके सो दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप डूइंग। सरसों का साग बनाना ना इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ट्रस्ट मी। एक बार आप इसे बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं हर दिन ये करूं, बिकॉज इट्स जस्ट इट्स वेरी यू नो इट हैज अ सिस्टम, इट हैज अ तरीका, इट हैज इट्स ओन फन। हर एक स्टेज में खुशबू अलग होती रहती है एंड इट्स रियली अमेजिंग। जब से मैंने बनाना शुरू किया है तब से यू नो जब भी किसी का मन करता है सरसों का साग खाने का तो मैं ही बनाती हूँ। आई डोंट लेट माई कुक मेक इट बिकॉज आई रियली एंजॉय द प्रोसेस। सो बहुत दिनों से मेरा मन था ये आपको दिखाने का। इनफैक्ट फिर मैं सोची थी चलो वीडियो करके ही दिखा देती हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड इट्स नॉट अ टीडियस प्रोसेस बट इट हैज क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स। सो आई वॉजंट श्योर कि लाइव में मैं कर पाऊंगी, बट ऐसे ठीक है रब रखा आई थिंक हो जाना चाहिए, अच्छे से हो जाना चाहिए। एंड जो चीज नहीं हो पाएगा उसका मैं वीडियो बना के दिखा दूंगी, डोंट यू वरी, आई थिंक हो जाएगा। मैंने काफी सारा इसका जो प्रेप है वो करके रखा है। अश्विनी ये ले जा प्लीज। ओके थैंक यू। आई कैन सी नाइस ग्रीन ग्रीन स्पेक्स इन माय ऑन माय एंटायर काउंटर व्हिच आई हैव टू शो यू नाउ। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट बट जस्ट वॉन्ट टू गेट दिस गोइंग। ओके तो अब जैसे आप देख रहे हैं आपको लग रहा था इतना सारा पालक एक इस छोटे से कुकर में फिट हो जाएगा, मैं छोटा तो कुकर नहीं है बट जितना पालक लग रहा था उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा लग रहा था। राइट सो देखिए किस तरह से ये फिट हो गया है। मक्की का आटा रेडी रखना प्लीज। ओके नाउ लाइक आई सेड आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड थोड़ा सा नमक और बिकॉज पानी का नमक निकल गया था तो हल्का सा नमक और डालेंगे। फनी थिंग रादर इंटरेस्टिंग थिंग इसमें नमक के अलावा और कोई ड्राई मसाला पड़ता ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट हाउ अमेजिंग इज दैट। बट इसमें जो पड़ता है वो है ये मैजिक। इसमें पड़ेगा अदरक और मिर्ची का पेस्ट एंड ये लहसुन। अब आप पूछेंगे लहसुन होल क्यों, इसका पेस्ट क्यों? अब इसकी इसका जवाब मेरी मम्मी दे सकती थी बिकॉज शी हैड दिस थियोरी कि अदरक और मिर्ची अच्छे से आप अगर पेस्ट बना के अंदर डाल दें वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। बट लहसुन वो अगर आप होल डालें वो पकते पकते एनी वेज बिकम्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड इवन इफ यू बाइट इनटू इट इट गिव्स दैट लिटिल बर्स्ट ऑफ स्वीटनेस टू द पालक। डू यू अंडरस्टैंड? इवन इफ यू ड्रिंक, मम्मी ने कहा है तो राइट ही होगा। राइट दैट इज माई पॉलिसी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस एंड फॉर दैट I am in fact going to show you my lovely woohoo this beautiful cutlery organizer by Godrej. Now let me take out the spoon and add this and then I'm going to tell you more about this. But doesn't it look cute? It does. Okay, let me just add my ginger and mirchi ka paste. So mirchi isme kareeb
10 मैंने डाले हैं। आपको पता है हम पंजाबी है और हमारे घर में तो भाई लोगों को मिर्ची बहुत पसंद है, तो अगर आपने कम डालना है तो डाल सकते हैं। एंड लहसुन की जो क्लोव्स हैं ये आई एम पुटिंग अबाउट 8 to 10, यू कैन पुट अबाउट कपल मोर इफ यू लाइक, इट्स अप टू यू। नाउ आई एम जस्ट गोना गिव दिस अ नाइस मिक्स, गेट द ढक्कन, सॉरी वन सेकंड, ओप्स, विदाउट शेकिंग द कैमरा। नाउ इसमें ना आप देखो कि ये काफी बबल करेगा, सो व्हाट यू शुड आइडियली डू इज कि जो ढक्कन है इसको आप बंद ही रखिए ताकि उड़ उड़ के आपके ऊपर ना आए और आपके किचन काउंटर पे ना आए। तो इसको थोड़ी देर हम सिर्फ जस्ट कवर्ड वे में इसको छोड़ देंगे एंड देन इसे हम विसल देने के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। वो तो नहीं दब गया। थोड़ा सा पीछे कर लो, देखो अश्विनी, आई नॉट हर अश्विनी कैन हेल्प अस, बट शी कैन एटलीस्ट डील विद दिस। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? इसको बंद करो ना प्लीज, कैन यू ऑल हियर मी? ओह गॉड, व्हाई डस दिस हैपन? तारिणी वर्किंग नाउ, वर्किंग नाउ, बैक Yes. Okay. Now keep your fingers crossed that it doesn't go again. Okay. So let me take up some questions in the meantime so that I. Shalu Khan, white radish. Yeah. Okay. 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 It's back. Thank you. Okay. So far has everyone understood what has happened? मैं आज बना रही हूँ सरसों का साग and मक्की दी रोटी, ओके एंड इसका रबर ठीक से नहीं लगा होगा, अभी धोया था ना हमने, अंदर ले जाके ठीक से कर लो, इसको ले जाओ, अच्छा ठीक है उसको फिक्स, ओके तो कर ही नहीं बंद हो रहा जी, ओके तो तब तक मैं आपको अपना कटलरी ऑर्गेनाइजर दिखा देती हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई एम डाइंग टू शो यू, इनफैक्ट आई वांट टू शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो नाउ दिस इज माय न्यू फाइंडर। It's truly आप लोगों को आवाज देने के चक्कर में मेरी आवाज भी चली गई। Okay, so Godrej Locks has come up with this. And it's also my other house where I have my studio kitchen. So can you all hear me? But yeah, now they can. Now they can. What I'm gonna do is maybe take it out from the. Maybe that is pressing something. I'll help you. Okay, guys, tell me, can you all hear me? Because then I will only start talking if you can. Yeah, they can. They can. Okay, what's your password? ऐसा ही होता है जब यू आर डाउन दैट्स आई हैव बीन डाउन। ओके सो गाइस, नाउ व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज दिस ऑर्गेनाइजर। नाउ लाइफ इतनी इजी हो गई है इसके वजह से,
this cooking process has become so much more comfortable. Now look at this. What I love about this are these separators. तो आप इसे छोटा भी कर सकते हो. इसे आपने अगर आपके पास बड़ी चीजें हैं, जैसे ये मेरे पास बेलन है जो मैं कभी कभी अपने हस्बैंड को पीटने के लिए यूज करती हूँ. अगर वो ये सब सुनेगा ना, मेरे को ही मारेगा इससे. ओके, जैसे लंबी लंबी जब चीजें होती हैं वो आप डाल सकते हो, चिमटे होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती है वो आप इसमें इस तरह से डाल के यूज कर सकते हो. यहाँ आई पुट माई स्पून, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माई स्कूप, माई थर्मामीटर, वुडन स्पैचुलाज हियर, यू नो, एंड हियर माई सिलिकॉन स्पैचुलाज, नींबू का जो स्क्वीजर होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, पीलर पीलर होता है. तो बेसिकली इट्स अ वेरी कूल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ इन द किचन. एंड वी ऑल नो कि किचन कैन गेट क्योटिक, राइट? बट यू हैव समथिंग वेन यू ओपन, इट्स ऑर्गेनाइज, देर इज नो क्लटर, तो दिल में शांति आ जाती है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, आई होप यू आर टू. ओके, सो अभी तक क्या क्या हुआ है, बीच में ऑडियो चला गया था, आई होप यू कुड हियर मी. यहाँ पे सरसों का जो साग है वो हमने कुकर में डाल दिया है, अलॉन्ग विद मेथी, अलॉन्ग विद पालक, थोड़ा सा नमक, उसमें गार्लिक पड़े हैं, होल गार्लिक पॉड्स, एंड जिंजर और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया है मैंने वो डाल दिया है. और अब इसे मैं 6 से 7 सीटियां दे दूंगी आराम से, ताकि पालक जो है अच्छे से पक जाए. मक्की का आटा दे दे, और ये भी दे दे प्लीज, तड़के का सामान दे दे. ओके, ये मेरा आउटफिट, वो मुझे ऐसे ऐसे करी तो मुझे लगा शायद मेरा कुर्ता ऊपर हो गया. What she was trying to say is, where is my outfit from? I believe y'all are liking it. I hate it when I can't see the questions myself, although I can. So I will see it and address it. So this outfit is from Shuddhi Clothing. Last time मैंने उन्हीं का ये outfit पहना था. Do you like it? I think it's quite cool, na? Of course, my team had thought that I'm looking like a lawyer for some weird reason, but I like it. I think it's colorful. I think मैं सरसों की खेत लग रही हूँ, सरसों का साग का खेत लग रही हूँ, with all these colors, right? So I think it's just perfect for today's recipe. Ratio of palak and methi and sarso. हाँ, so sorry, very important thing जो मैंने आपको बोला नहीं, 1 kilo सरसों का साग and methi 250 grams, पालक 250 grams. अब पालक के बदले में आप बथुआ भी डाल सकते हैं, एंड मैंने बथुआ डाल के देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि बहुत मेरे टेस्ट के लिए काफी बिटर था. फिर मैंने अपनी मासी को भी फोन किया धनबाद में, मैंने कहा आप बथुआ डालते हो, बोलते नहीं मैं तो बथुआ नहीं डालती हूँ, वो तो मेथी भी नहीं डालते हैं खैर, बट हमारे यहाँ हर बार हम मेथी डालते हैं और हमें अच्छा लगता है उसका फ्लेवर. बट अगर आप चाहें तो मेथी को भी अवॉइड कर सकते हैं एंड सिर्फ पालक. तो अगर ऐसा करें तो आप 500 grams पालक डाल सकते हैं और 1 kilo तक आप सरसों का साग उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, रख दे ऐसे ही रख दे. मेरे को कढ़ाई दे दे. कढ़ाई कहाँ है? अच्छा हाँ, वहां पे है. और तो मैं पहले तड़का लगा रही हूँ कि पहले मैं आटा बना रही हूँ? मैं आटा बना लू ना पहले. हाँ तो फिर दे दो आटा. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जो मैं जिसका दो बनाऊंगी. हाँ आप मुझे आटा अलग से दे दो, फिर मैं आटा बना के रख लेती हूँ तो वो रेस्ट हो जाएगा. तो मक्की के आटे से जो मैं डो बनाऊंगी, ये भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नहीं होता अच्छे से, इसमें कोई रेसिपी नहीं है. तो इसकी रेसिपी मैं रिटन रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बिकॉज इट रियली डिपेंड कि आपके घर में 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, किसके लिए आप बना रहे हो. उस हिसाब से आप आटा लो, उसे गूंदना है दूध के साथ. मेरी मासी दूध के साथ गूंदते हैं, कोसा दूध. कोसा दूध मतलब हल्का सा गर्म एंड थोड़ा सा पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल के, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी. फिर उसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करना होता है बनाने से पहले. तो मैं वो पहले बना दूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी कि जो ये साग है उसका तड़का दूंगी. तब तक ये साग को बिसल भी लग जाएंगे, तो इट विल सेव अस सम टाइम. ओके, तो दे दो प्लीज मक्के का आटा मुझे. क्या चाहिए? बोल में आटा नहीं, उसी में डाल दो, परात में आटा डाल दो, कोई नहीं. तो मैं 2 कप आटा, नहीं 2 कप आटा डाल के दे दो. तो मैं 2 कप मक्की का आटा ले रही हूँ, उसे परात में ले रही हूँ क्योंकि बोल्स जो मेरे काउंटर में पड़े हैं फिर वो आके मेरा काउंटर हिला रहे हैं, तो इसलिए मैं डाल के ले रही हूँ. तो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माय लाइफ, दे आर एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक एंड दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यू आल्सो लव इट. सच सच बोल दीजिए. ओके, हाय रूबी, हाय विजया, आई एम डैम स्वीट. ओके, राइट नाउ माय हाउस पीपल थिंक दैट आई एम वेरी इरिटेटिंग बिकॉज आई एम ट्रबलिंग देम अ लॉट. हेलो बाबू, हूज बाबू एम आई? ओके, आई एम गोना कम टू योर
बाबूजी, ये मैंने मक्की का आटा लिया है, ओके। जब आप आटा बनाए तो स्टील के बोल में, जो परात जिसे कहते हैं, उसमें बनाना ही बेस्ट होता है। एक मेरे को नैपकिन दे दे एक और प्लीज। अच्छा ये नहीं, ये बहुत बड़ा है। हल्का सा मैंने इसमें नमक डाल दिया। दूध दे दो, इसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा अगर आप रख दोगे ना तो ये हिलेगा नहीं। कोई मेरे को दूध दे दो प्लीज, ये हटा दो। एंड इसे मैं, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा इसका दूध किसी में भी दे दो, टाइम नहीं है, बाउल को पहले निकाल लेना चाहिए था। सॉरी, माय गर्ल्स कॉल इट बाउल, बोल होता है। ठीक है, तो और दूध को बाउल में नहीं डालते, जग में डालते हैं। तो मैं कहां थी मैं, इसी के बारे में बोल रही थी। ठीक है, नहीं मैं मजाक उड़ा रही थी अपनी गर्ल्स का जो मुझे अभी तंग कर रहे हैं। नहीं, मैं तब तक किसी से बात कर लेती हूँ जब तक वो बाउल और दूध और 2000 चीजें आ रही हैं। पानी भी थोड़ा सा ले आओ प्लीज। स्वप्निल, कैसे हो आप? गुड टू सी यू। स्वप्निल जी हमेशा मुझे मैसेज करते रहते हैं। वंदना सबनानी, हेलो फ्रॉम लंदन। हाय, व्हाट टाइम इज इट इन लंदन? आई एम गेटिंग देयर इन मे बाय द वे, सो होपफुली यू विल सी मी डूइंग सम फन स्टफ इन लंदन। ओके, सो समीर मलिक, हेलो सुजाता, हेलो 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 गाइस, गुड टू सी यू ऑल। स्माइली मेघना, नाइस टू सी यू गाइस। ओके, आई बेटर स्टार्ट वरना। कोमल, सॉरी, आई विल चैट विद मेनी मोर पीपल सून जिनको मैंने देख लिया। हु वर यू टॉकिंग अबाउट? सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा दूध इसमें डाल के, दूध क्यों, मेरी मासी के, अगर मासिया अगर आप देख रहे हो, अगर आपने फाइनली इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है, मैं 6 साल से उनको बोल रही हूँ डाउनलोड कर लो, करते नहीं है। शेफ अजय चोपड़ा सिंह की हाल। हाय अजय चोपड़ा, हाल चाल बिल्कुल बढ़िया। तुसी आके मेरे नाल बनाओ मक्की की रोटी ते सरसों का साग। अजय चोपड़ा भी आ जाए तो और सोने में सुहागा हो जाए, राइट। हाउ आर यू, गुड टू सी यू हियर। तो अभी मैं ये मक्की की रोटी का जो डो है वो हल्के 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 गरम दूध के साथ कर रही हूँ। तो मेरी मासी की मैं बात कर रही थी, वो कहते हैं थोड़ा जा पोला जया दूध होना चाहिए है। ठीक है, तो पोला का मतलब ये पंजाबी से समझ सकते हैं, हल्का सा कोसा दूध जो ज्यादा गर्म ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो। एंड अकॉर्डिंग टू हर, अगर दूध के साथ आप ये डो बनाएं तो और भी ज्यादा सॉफ्ट बनता है एंड टेस्टी होता है। जो रोटी होती है वो टेस्टी होती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा पानी भी लेना पड़ेगा, तो हल्का सा गर्म पानी भी मैंने ले लिया है। एंड नाउ आई एम मेकिंग अ नाइस सॉफ्ट डो। तो ये डो बनाने के बाद हम इसे रख देंगे करीब 10-15 मिनट्स के लिए ताकि वो रेस्ट हो जाए। तब तक यहाँ पालक भी तैयार हो जाएगा। जैसे सीटियाँ आज के डेट में पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। करीब 6 से 7 सीटियाँ पड़नी है। ये कुकर और मेरा जो रिश्ता है वो मुझे लगता है थोड़ा बिगड़ गया है। कुकर्स को मैं पसंद नहीं हूँ क्योंकि जब भी मैं चलाती हूँ तो वो बजती नहीं है, सीटियाँ मारती नहीं है कुकर मुझे देख के। अच्छा, आप लोग के अंदर की रनिंग कमेंट्री थोड़ी सी कम कर लो। ओहो सॉरी, आई नो आई डिडंट रियलाइज। नाइस किचन, थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। वी हैव टू कुक हियर टुगेदर, ओके। सीटी का क्लोजअप क्यों ले रही हो? सीटी बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब आई वॉज होपिंग कि सीटी जल्दी बच जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कुकर और मेरा रिश्ता थोड़ा सा। अरे तुम लोग की रनिंग कमेंट्री बंद करके बात करो, किचन का दरवाजा। ये मेरी दीदियों के अंदर रनिंग कमेंट्री चल रही है। तो अब ये मैंने अच्छा काम करना, कितनी सीटियाँ हुई, 2 हुई ना अभी तक। मेरी मम्मी जी अंदर है। Someone is asking to recommend the best kitchen tools you want to try. Okay. उसके लिए तो एक अलग ही लाइव करना पड़ेगा। मेरे पास इतने टूल्स हैं कि माय गॉड बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अपना कटलरी का जो स्पेस है, और भी चीजें दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी नाइस, बट बिकॉज दिस रेसिपी इज ऑल्सो इलेबरेट, आई हैव टू काइंड ऑफ बैलेंस इट आउट सो दैट यू ऑल डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। कितने सीटी हुए? 3 पक्का? तो दिस इज अ नाइस
दिस इज अ नाइस सॉफ्ट डो, इट हैज टू बी नाइस सॉफ्ट डो. ओके सी दिस, आज मैंने बहुत प्यारी सी नेल पॉलिश लगाई थी जो खराब हो गई है. ओके नाइस सॉफ्ट डो, कैन यू सी दिस नाइस सॉफ्ट डो. एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू, इसको करीब 5-6 मिनट तक अच्छे से थोड़ा गूंदना होता है. जैसे आप गूंदोगे तो इट जस्ट कम्स टुगेदर वेल एंड बिकम्स नाइस एंड सॉफ्ट. अब इसे मैं पालक, बट उसको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. हम जो पहला पानी था, आई डोंट नो इफ यू वॉच द बिगिनिंग ऑफ द लाइव, जब मैं सरसों का साग को मैंने पहले पानी में डाला, 2 ग्लास पानी में उसे डाला उबलते पानी में. तो वो जब उबल गया और उसका जो फ्रॉथ आ गया उसे मैंने स्ट्रेन कर दिया, ठीक है. उसके बाद मैंने फ्रेश पानी डाला, तब जाके पालक और मेथी उसमें डाला था, ठीक है. तो अब इसे स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. करीब 6-7-8 सीटियां लग जाए, एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुकर में क्यों बनाते हैं ये सब स्टोरीज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू ऑल ऑफ दैट. क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग है नहीं बंद होगा आज, क्योंकि मैंने बोला ना ये सीटियां मारते ही नहीं है, तो आज उसने बोला कि चलो अब मैं सीटियां मार के दिखाती. ये एक्चुअली टर्न होना चाहिए, है ना. सॉरी आई एम डिस्कवरिंग माय आउटफिट एज आई गो. शुद्धि क्लोथिंग ये सब आप बताया करो मुझे. अच्छा कम टू माय कटलरी ऑर्गेनाइजर बिकॉज आई एम टेकिंग आउट द मथानी फ्रॉम देयर ऑल्सो. मथनी बोलो या मथानी बोलो, कोई मुझे पूछ रहा था इंपॉर्टेंट टूल्स, तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज अ कोरर, दिस इज अ स्कूप, दिस इज अ जेस्ट. ओके इसे आप नींबू ऑरेंज का ऊपर का जो हिस्सा है वो आप स्क्रेप करके यूज निकाल के बहुत अच्छा फ्लेवर देता है आपके कस्टर्ड्स को. दिस इज अ थर्मोमीटर, मेनली यूज टू चेक मीट कुक हुआ है कि नहीं. ऑफकोर्स ये नींबू स्क्वीजर तो आई थिंक सबके घरों में होगा ही, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट कर देता है. सो दिस इज अ रियली नाइस. सो दिस इज अ रियली नाइस ऑर्गेनाइजर बाय गोदरेज लॉक्स. ओके स्किडो किचन ऑर्गेनाइजर, सो आई एम टोटली इन लव विद इट. तो अभी मुझे ये मथनी चाहिए थी तो इसलिए मैंने खोला, और जिन लोगों ने पूछा इंपॉर्टेंट थी टूल्स उसके लिए बोला. यहाँ पे मेरे मक्की काटा आ गया, अच्छा कोई ले गया तो ढकने के लिए, अंदर ढक के रखने के लिए, पर वहां नहीं रखना था. यहाँ पे पालक भी अब पक गया है, करीब 6-7-8 सीटियां ऑलमोस्ट लग गई हैं, तो दैट इज डन. अब मैं उसे हटा देती हूँ, एंड बिकॉज दे हैव नॉट गिवन मी अ स्टैंड आई शैल मेक डू विद दिस. Because I don't want to spoil my cooker, and we are going to begin with the making of my tadka, which is the best part of sarso ka saag. So, ab ye jo sarso ka saag humne tayar kiya hai, ye base hai, okay? Ye ready ho gaya hai. Ab zaruri nahi ki sara aapne ek hi saag khana hai. Aapke ghar mein 2 logon, 4 logon, lekin ab aap हर बार ये पूरा एफर्ट नहीं करोगे. साग को काटने में भी टाइम लगता है, एक्चुअली मोस्ट टाइम गोज इन द कटिंग. तो इसीलिए मोस्ट पीपल मेक इन बिग बैचेस, एंड जैसे खाना हो, मैंने पहले भी बोला ये, अगर आज आपने खाना है तो थोड़ा सा निकाला, तड़का लगाया, एंड बाकी का वापस फ्रिज में रख दिया या फ्रीजर में रख दिया, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज यू वॉन्ट टू कीप इट फॉर. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द तड़का ऑफ दिस. तब तक ये कुकर भी खुल जाएगा, बिकॉज यू नीड टू लेट द प्रेशर एंड द स्टीम आउट, अच्छे से वो ठंडा हो जाए. वी विल ओपन इट
एंड देन हमें थोड़ा सा मथना होगा। तो अब कई लोग बोलेंगे कि जी आप ना बोले ऑथेंटिक स्टाइल से, पर आपने कुकर यूज किया, आप अभी हैंड ब्लेंडर यूज करोगे, मैं हैंड ब्लेंडर से इसे मिक्स करूंगी। तो भाई हम तो रहते हैं आजकल ऐसे जमाने में जहां ज्यादा टाइम नहीं होता, तो देर आर थिंग्स दैट यू कैन डू इन द ऑथेंटिक वे, बट देर इज ऑल्सो अ टाइम एंड प्लेस फॉर इट। अगर आप किसी विलेज में गए या हम अपने अपने खुद के गांव में जाते हैं, अब जैसे अगर मैं धनबाद में जाऊंगी या हजारीबाग जाऊंगी, वहां बड़ा सा कोर्टयार्ड है, वहां कोयला वगैरह लगा के, लकड़ी लगा के हम बैठ के बनाएंगे ये सरसों का साग एंड प्रॉपरली मथेंगे, सब करेंगे। लेकिन अब भाई मैं तो रहती हूँ मुंबई में, काम करती हूँ, बच्चा है मेरा तो 15 साल के होने के बाद भी मेरे से पढ़ाई करवाता है, 14 साल का है, ओके आई कीप सेइंग 15 साल, और बड़ा गुस्सा हो जाता है। तो हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि वी कैनॉट रियली अफोर्ड टू स्पेंड टू मच टाइम डूइंग दिस, बट एम आई गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन द टेस्ट, आई विल नॉट, एंड यू विल सी इट, क्योंकि आप लाइक गुड पीपल, आप मेरी सारी रेसिपीज बनाते हो, मुझे पता है, उसे ट्राई करते हो एंड मुझे आप वैलिडेट करते हो और बोलते हो कि आपकी जो रेसिपी थी और आपने जो कहा वैसा ही हुआ। तो आप इस रेसिपी को बनाना, अगर आपके घर में किसी ने भी कह दिया कि ऑथेंटिक सरसों का साग का फ्लेवर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या लोगे, बोलो, कुकीज भी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। सोचिए मैं दुबई से आई, मैंने सोचा था जनवरी में एक पूरा नया बैच करूंगी और सबको बांटूंगी और बेचूंगी, कुछ नहीं हो पाया, कोविड हो गया, अब मेरे बेटे के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट। फिलहाल सरसों का साग तो हम बनाएंगे एंड अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, और ऑथेंटिक वे में बनाएंगे। तो यहां मैंने तेल और घी को गर्म करने के लिए रख दिया। व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज द तड़का ऑफ द सरसों। यू वांट टू से समथिंग? यस, ओके। इस तड़के में मैं ये भी डालूंगी, बट व्हाट डिड आई वांट टू डू फर्स्ट, हाँ, सो पीपल हु वांट ऑल माय रेसिपीज एंड who want to see these lives also and all the other recipes that I have made, कई बार लोग confused हो जाते हैं, नहीं आपने non-veg recipe नहीं बनाई, आपने veg recipe नहीं बनाई, तो मेरे बहुत सारे non-veg recipe, बहुत सारे veg recipe, बहुत सारे बच्चों के recipe सब uploaded है मेरे YouTube channel में, Amrita Raichur Chef and Beyond, तो please subscribe कीजिए। I think इतना तो मैं आपसे expect कर सकती हूँ ना, कि आप उसे उस पर subscribe करें, it's for free, you don't have to pay anything। यहाँ मैं garlic डाल रही हूँ, ओके, बारीक कटा हुआ गार्लिक फॉर द तड़का, थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं पैन को। तो यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, बिकॉज़ आई एम सेइंग सो, ओके। तो अब ये जो तड़का है, दिस इज रियली द करता धरता ऑफ सरसों दा साग, क्योंकि अगर आपने तड़का मजेदार नहीं बनाया तो उतना अच्छा साग का फ्लेवर नहीं आएगा। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इसमें आप बहुत ध्यान दें। आप सिर्फ घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरा घी इसलिए नहीं डालती हूँ बिकॉज मक्के की रोटी को भी ना हम फ्राई करते हैं घी के साथ, फिर उसके ऊपर डॉलप ऑफ बटर भी पड़ता है। तो आई जस्ट फील कि इवन दो वी आर मेकिंग योर ऑथेंटिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खा के भी जी 6 घंटे सो जाओ, जैसे ऑफकोर्स आप रात को खा रहे हो, रात को तो मैं नहीं एडवाइस करूंगी। आई विल से अगर आपको ये मील बनाना है, खाना है, तो दोपहर में बनाइए और खाइए, बिकॉज उसके बाद जो प्यारी प्यारी नींद आएगी 1 घंटे की, वो बहुत अच्छी होगी, राइट। तो गार्लिक को अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा सा वो बाइट जब आएगा, लिटिल बिट, नॉट बर्न्ट बट लिटिल टुवर्ड्स अ नाइस क्रिस्प गार्लिक, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सरसों के साथ में। सो आई एम गोइंग टू जस्ट सॉटे दिस टिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा है, गार्लिक थोड़ा अच्छे से पकना चाहिए और गोल्डन होना चाहिए, लेकिन जो प्याज है, यहाँ मुंबई में जो बोलते हैं कांदा है, वो बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। सो अगेन डोंट आस्क मी व्हाई, बट एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्लेवर एंड दीज आर थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मम्मा एंड मासी। नाउ कैन यू सी द कलर ऑफ द गार्लिक चेंज टू दिस लवली ब्राउन, दिस इज द पॉइंट इन विच आई एड द, कितना प्याज है 2 प्याज है बारीक कटे हुए, 2 प्याज है और 2 टमाटर भी इसमें पड़ेंगे, ओके। थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया है, just cook till they are slightly translucent. Okay. Ooh, I like the specks of green
in this, but I think I'm going to use another spatula. Okay. Hello, Pinal Murzala. Which dish? Sarso ka saag and makki di roti, guys. That's what I'm making. Kaveri, how are you? Nice to see you here. Hats off to my beautiful mom and Masi. That's true. I've learned a lot from them. In fact, हर बार मैं कुछ ऑथेंटिक मम्मी और मासी की डिश बनाती हूँ तो एक बार उनसे बात ज़रूर कर लेती हूँ. अच्छा ये सब सब ठीक हो रहा है ना. एंड दे लव इट. तो बोली नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ये क्यों करिए. अभी भी मुझे डांट पड़ती है बाय द वे. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक मेक्स द कुकिंग दैट मच मोर फन. इज इंडक्शन कुकिंग बेटर दैन गैस? यू नो इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड पहले तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे गैस की जो कुकिंग है वो ज़्यादा अच्छी लगती है. एंड ऑफकोर्स देर आर रेसिपीज इन विच यू नीड दैट फ्लेम. अगर यही अगर मैं फ्लेम में कर रही होती तो आई वुड हैव टॉस्ड इट ऑल्सो एंड गॉट दैट ये एक्स्ट्रा स्मोकीनेस इनटू माय साल्ट. विच बाय द वे इफ यू हैव एन इंडक्शन आप ना वो कोल के साथ भी दे सकते हैं इफ यू वॉन्ट दैट स्मोकी फ्लेवर बिकॉज इट रियली आई थिंक एड्स दैट एक्स्ट्रा टच. मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरी मम्मी खांसने लगेंगी. बट अगर मैं घर पे होती तो वो फ्लेम से भी आ जाता है. देर आर लाइक इंडक्शन में आप टेम्परेचर को बहुत आसानी से मेंटेन भी कर सकते हो. फ्लेम कुकिंग इज आई फील मोर प्योर कुकिंग, प्योर हीट. एंड हेंस व्हेन यू आर सियरिंग मीट ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन मच बेटर इन फ्लेम कुकिंग. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग सम एशियन कुकिंग व्हेन यू नीड हाई रियली हाई फ्लेम एंड यू नीड दैट फ्लेम टू कम इन टू द food to give that smokiness. So but you know it's okay, whatever you have I think you can manage. It's not really a do or die situation. Chalo mera belna aur aata le aao, iske baad makki ki roti bhi shuru ho jayegi. Actually hum saath saath bhi kar sakte hain na ki nahi? Ha confuse ho jayenge. Roti mein kya hai waise to kate main tomato dal deti hu uske baad टमाटर को भी पकने में टाइम लगेगा. देन आई डू द रोटी एंड देन आई शो यू माई अदर ड्रॉर इन विच माई पैन्स आर सो ब्यूटिफुली स्टैक. दिस इज अगेन बाय गोदरेज. दिस होल काउंटर एंड दिस होल स्टोरेज किचन स्टोरेज हैज बीन डन बाय गोदरेज लॉक्स स्किडो किचन ऑर्गेनाइजर. एंड आई कैन नॉट टेल यू जब से ये लगा है आई हैव बीन सुपर एक्साइटेड. लेकिन लाइक यू ऑल नो कोविड हो गया था तो मैं यहाँ आ ही नहीं पाई एक महीने. आई कुड नॉट डू इट but it's truly changed my cooking in my studio and काफी सारी चीजें मेरी अब यहाँ आ गई है. वरना यू नो दिस वॉज लाइक अ मेक शिफ्ट काउंटर जहाँ मैं सिर्फ शूट करती थी, जो भी चीज चाहिए होता था अंदर कबर्ड से लाती थी. बट नाउ एवरीथिंग इज नाइसली ऑर्गेनाइज एंड आई एम फीलिंग ग्रेट. ओके अब देख लीजिए प्याज का जो कलर है इट्स नॉट टू ब्राउन बट इट्स नाइस एंड ट्रांसलूसेंट. यू कैन सी दैट इट्स बीन कुक्ड. एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू एड सम फाइनली चॉप्ड जिंजर, वन रेड मिर्च फॉर द मोमेंट. ये आप डायरेक्ट तेल पे भी डाल सकते हैं एंड ऐसे भी डाल सकते हैं. और ये जिंजर को हल्का सा सॉटे होने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी. जैसा कि आप देख सकते हैं नीलम दीदी ने मुझे हरी मिर्चें भी दी हैं बट मैं हरी मिर्चें और नहीं डालूंगी. शी लव्स मिर्च बट आई एम एडेड इनफ मिर्च इन द पालक सो आई थिंक आई कैन टेक इट ईजी. अब मैं ये 10 चॉप टमेटोज लाइक आई सेड 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है. हल्का सा इसमें जस्ट गोना ऐड सम सॉल्ट एंड आई एम गोना लेट दिस कुक एंड आई एम गोना मूव ऑन टू द रोटीज. ओके पार्चमेंट पेपर भी लगेगा. हाँ मुझे ओके थोड़ा पानी दे दो प्लीज पीने के लिए. सम सॉल्ट इन द तड़का एंड दैट्स इट. अब इसे हम अच्छे से स्लो फ्लेम में जस्ट गोना लेट द tomato soften and get cooked. All right, let's move this away. Ashwini, please ye le jao. Hi, single. Hello, Milni single. What is bathua? Bathua is again wild leaf. Paani peene ke liye. Haan, to fir ye glass le jao. एक्चुअली सरसों का साग करने की एक स्टोरी है कि बेसिकली जब विलेजर्स काम करने जाते थे वो सारे खेत में
जो जो भी यू नो लीव्स होते थे उनको सब मिला के मसाले वसाले डाल के उसका साग बना के खा लेते थे. एक तो साग में इतना प्रोटीन होता है, इतना पौष्टिक होता है वो. सो इट यूज टू गिव देम द एनर्जी एंड द न्यूट्रिशन दैट दे नीडेड टू वर्क अंडर द सन लाइक दैट. सो इट्स रियली बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री डिफरेंट लीव्स विच थोड़े से स्वीट होते हैं, थोड़ा सा बिटर होता है, एंड दे ट्रूली कम टूगेदर टू मेक अ वंडरफुल वंडरफुल डिश. Okay, now you want to come here? I want to show them my pans. एक नैपकिन और लगेगा मुझे प्लीज. Okay, so this is my other drawer. Just see how these you know separators help me, because हमेशा मैंने देखा है कि pans को ना एक के ऊपर एक stack करके रखना होता है. एक तो वो खराब भी हो जाते हैं, ये देखो already scratches लगे हैं, but ये पहले के लगे हुए हैं. But now I can keep them one. Separate from each other, and even the handles don't like you know clink against each other and make noise and irritate you. So it's really a lovely way of separating your pans, and it's a real boon. And side mein like sorry I didn't show you a little extra space. So yahan pe aap you know jo dhakkan hote hain pans ke wo bhi aap aaram se rakh sakte hain. So it's really nice. See all these dhakkans, you can place them like this. So there's enough space for it. Okay, lovely. So, ये अब मेरा पैन यहाँ पे आ गया है. तड़का हियर ऑन स्लो फ्लेम. तवा आगे रख दिया मैंने. अश्विन ये भी ले जा प्लीज. हाँ उसी में डाल दो गुड़ को. अब ये चॉपिंग बोर्ड हटा देना प्लीज. चकला. सो हियर आई हैव माय चकला. एंड वो दूसरा बेलन कहाँ है, छोटा वाला? तो मक्की की रोटी बनाने के लिए पार्चमेंट पेपर, जो बेकिंग पेपर होता है, वो बहुत काम आता है. सो आई वुड हाईली रेकमेंड दैट यू ट्राई यूजिंग इट. आप चाहिए तो जिप लॉक भी यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक इट बिकॉज यू नो जो डालने का प्रोसेस होता है वो कम्बसम हो जाता है, प्लस प्लास्टिक इज नॉट रियली गुड एंड समटाइम्स इट स्टिक्स टू द पैन. यू डोंट वॉन्ट टू टेक दैट चांस. अच्छा ठीक है, तो मेरे को बोल पानी करे तो. हाँ सॉरी. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. सॉरी मैं भूल गई कि हमें तो बेलना लगाना ही नहीं है, हमें तो पानी और हाथ से करना है. तो सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिए. ओके एंड फिर ये आप एक लोई लीजिए, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं. ओके एंड फिर अपने हाथ से जितना आप इसे बड़ा कर सके आप कर लीजिए. टूटेगा ये भी मेरा. अब यहां हमेशा वो जो फर्स्ट टू रोटीज होती हैं वो धोखा देती हैं, तो शायद ये भी अभी ऐसे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ना हो. फिर हाथ को हल्का सा गीला किया एंड उसे इस तरह से आप. ओहो रनिंग कमेंट्री, कुछ बोलना है मुझे तो दरवाजा बंद कर दो और आके देख लो. नीलम दीदी इज वॉचिंग मी लाइक अ हॉक कि रोटी दीदी ठीक से बना रही है कि नहीं. ओके अश्विनी मैं सुन सकती हूँ क्या बोला तुमने. ओके सो ये लोग मेरा ना बहुत मजाक उड़ाते हैं, ट्रस्ट मी. कुछ 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 बोलते रहते हैं. तो ये अब हाथ से आपने इस तरह से स्प्रेड कर लिया. गर्म हुआ कि नहीं मेरा पैन? हाँ चल रहा है ठीक है. अब जय माता दी बोल के धीरे धीरे दोनों तरफ से इसे हम निकालेंगे धीरे से. अच्छा तो मेरी मासी ने मुझे बोला, एक टिप दिया कि पैन पे डायरेक्ट ना डालो, टूट सकता है. हाँ थोड़ा सा उस पर घी या तेल लगा लो. थोड़ा सा तेल लगाते हैं. अच्छा वो तेल जी तो घूम गए पूरे बगान में. मेरे को ना अश्विनी आ जाए इधर, ये मेरा कोल और उधर से स्पैचुला दूसरा निकाल.
प्लीज ये कौन, हाँ मैं बताती हूँ कौन सा, वो वाला जो अभी धो के, ओए देखा तेरे को करने करने में मेरा टूट गया। ओके ज्वाइन कर दूँगी इसको। हाँ थोड़ा सा तेल इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, फिर रोटी को डालना है। और ये अगर टूट गया तो इसे जस्ट इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए हल्का सा पानी का हाथ लगा के, नो प्रॉब्लम। ओके बस इसे छोड़ देना। ओके अब इसी तरह एक और बना लेंगे। ज़्यादा देर अगर आप हाथ में रखोगे ना तो पंगा है। तो हाथ को दूसरा स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज क्लीन योर हैंड्स, क्योंकि अगर उसमें आटा रहेगा तो अगेन वो चिपकेगा। ओके सो क्लीन योर हैंड्स विद वाटर, वाइप इट। ओ वाओ ओके एंड देन अगेन डू दिस। ओके अब लस्सी, लस्सी भी दे रहे हैं। ओके इस पे ध्यान दो, ये हल्का सा और गीला किया एंड इसे स्प्रेड कर लिया कितना हो सकता है अपने हाथों से। शांति प्लीज किचन में। ओके एंड यहाँ, अच्छा लेट्स गो बैक टू द तवा एंड इसे अब हम प्यार से टर्न करेंगे। वो लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। अब इसे हम ट्राई करेंगे, मेरे को एक प्लेट लगेगा प्लीज लाने के लिए। यहाँ दिखा दो इधर, मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ। एक एक प्लेट दे दे प्लीज निकालने के लिए। मैं निकाल सकती हूँ लेकिन अभी मेरे हाथ फ्री नहीं है। हल्का सा घी लगा दिया इस पर, तड़के पे भी ध्यान दे दिया। ओके ये तड़का भी धीरे धीरे अच्छे से पक रहा है एंड नाउ हल्का सा हाथ वापस से गीला करके प्लीज स्प्रेड दिस रोटी। ओके मासी जी अगर आप देख रहे हो तो आई होप यू अप्रूव, क्योंकि बाद में मुझे मार्क्स मिलते हैं। आज तूने 10/10 किया, आज तूने 5/10 किया, सो इट्स वेरी फनी। उन्हें लगता है अभी भी मैं स्कूल में हूँ और परफॉर्म कर रही हूँ उनके लिए। अभी घी लगाया और उसे टर्न कर दिया और फिर अगले साइड भी हल्का सा घी लगा दिया। एक्चुअली उसमें क्यों, मैं उसमें डायरेक्ट निकाल लेती हूँ। अच्छा ठीक है चलो इसमें निकाल लेते हो। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है और क्या बढ़िया पका है। देखो ये मक्की की रोटी, आज बाबा जी ने मेरी लाज रखी, पहली रोटी अच्छी बनी है। यूजुअली मेरी तो पहली रोटी कभी नहीं अच्छी बनती, हमेशा टूट जाती है या जल जाती है या व्हाटएवर। तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, सो आई एम रादर थ्रिल्ड। मैंने थोड़ा सा फ्लेम यहाँ बढ़ा लिया है एंड नाउ आई एम टेकिंग आउट दिस मक्की की रोटी एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस सेकंड वन आल्सो एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन द सरसों का साग। ओके सो जेंटली कुलदासन सिंह धीरे धीरे प्यार से, ये सब दीज थिंग्स आर लिटिल टैक्टफुली यू नीड टू डील विद देम। सो इट्स नॉट दैट टफ। अगर मैं ये सब चीजें लाइव में कर सकती हूँ फ्रॉम मेकिंग द डो टू कुकिंग द एंटायर साग विद इन हाउ मेनी मिनट्स हैज इट बीन बाय द वे, ऑलमोस्ट 50। ओके सो वी हैव 10 मोर मिनट्स टू कंप्लीट दिस, लेट्स मूव दिस अवे। अश्विनी प्लीज आके काउंटर क्लीन कर दे। आश ये सब हटा देती हूँ, तो मैं जरा साग खोलूँ, साग का जो प्रेशर है वो निकल गया, ये सब हटा दे। ओके तो अरे कहाँ ले गए। ओके लेट्स लुक एट, यार ये को लवली ये ले जा प्लीज। एक्चुअली रहने थे इधर ही पास में, लुकिंग गुड। ओके
मुंह में पानी इसके आ रहा है जो कैमरा पकड़ इट्स लुकिंग सो गुड ओके तो एज यू कैन सी कि अब ये बहुत ही अच्छे से पक गया है हाउ डू यू नो कि पक गया है इसमें ऑफकोर्स पानी है जो हम सुखाएंगे तो इसका जो जो मेन थिंग है जो आपने देखना है वो ये है गर्म है तो ये जो गंडल है अगर ये गंडल पक गई और हाथ को जलाया तो इसका मतलब आपका जो पालक है वो अच्छे से पक गया ओके सो द गंडल्स दीज लिटिल स्टेम्स ये पक गया दैट मीन्स दिस इज पकोफाइन ओके तो नाउ लवली दीज लुक एट दीज गार्लिक के जो पॉड्स जो मैंने होल डाले थे दे आर लुकिंग सो नाइस एंड सो अमेजिंग एंड द बाइट इज गोना बी अमेजिंग ये देखो मैंने जल्दी बात कर ली ये मेरा थोड़ा सा डार्क हो गया बट कोई बात नहीं ये खोलने के चक्कर में बट जो ये वाला थोड़ा सा क्रिस्पी वाला होता है उसका जो मजा होता है ना वो और भी कमाल का होता है तो आई तो लव दिस यू कैन से कि अब हो गया है तो बोल रही है लेकिन बाकी मुझे ऐसे ना थोड़ा सा काला काला ज्यादा अच्छा लगता है इट गिव्स द रियल यू नो कोयले वाली मक्की की रोटी का फील लवली उसे साइड में भी लगा दिया थोड़ा गैस कम भी करने का टाइम नहीं है Somebody wants a recipe of पालक पनीर टिक्का मसाला अच्छा देखो बहना पालक पनीर तो मैंने आपको दिया हुआ है मेरे जो मेरे घर के खाने में मैंने बनाया है उसमें आप देख लो पालक पनीर टिक्का मसाला एक साथ क्यों बनाओगे पनीर टिक्का मसाला बनाओ ना और पालक पनीर अलग से बनाओ है कि नहीं तो चल ये हो गई रोटी तैयार इसको मैं जीरो कर देती हूँ ये भी हटा दो प्लीज पैन हटा दो अश्विनी दिस तड़का इज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुल ये हटा दो ताकि दुनिया जले ना एंड वाइट बटर नहीं है क्या वाइट बटर में लाई थी लास्ट टाइम ये वाइट बटर नहीं है पर येलो क्यों लग रहा है सॉरी वाइट ही है येलो लाइट में लग रहा है तो अब ये डॉलप ऑफ वाइट बटर जब जाएगा अरे आजा मेरे भाई हाँ क्यों तंग कर रहा है मुझे जब वो डॉलप ऑफ बटर जाएगा उसका मजा आएगा लेकिन अभी हमें क्या करना है वे हमें इसको बेसिकली थोड़ा सा ग्राइंड करना है बिकॉज वी वॉन्ट दैट सरसों का साग राइट विच इज थोड़ा सा मशी अब उसे आप यूजली इससे करते हैं तो हम भी इसे यूज करेंगे बाद में लेकिन द इनिशियल प्रोसेस लाइक आई सेड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम इन लाइफ स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग अ लाइव सो नाउ बी केयरफुल बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दिस होपफुली इट शुडंट कम ऑन यू और मी ओके बंद कर दिया था स्विच हाँ जी बंद कर दिया ओके ये सब चीजें भी होती हैं क्या टर्म है मुझे नहीं पता आपको पता है ना सरसों का साग कैसा होता है मतलब एकदम ऐसे इट शुड नॉट बिकम लाइक अ प्योरे हम ऐसे पालक का प्योरे नहीं बना रहे हैं जिसे हम जैसे कभी कभी दो में डालते हैं हम इसका इसकी सब्जी बना रहे हैं सो इट शुड हैव दैट बाइट एंड इट शुड हैव दैट माउथ फील ओके लवली आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द मोमेंट अश्विनी इसको निकाल दे प्लीज बिकॉज रखने का जगह नहीं है अंदर से स्विच बंद कर और निकाल दे काम हो गया Okay then, that's what happens when you lose focus. Okay, how's my tadka looking? Tadka is looking beautiful, isn't it? Kitchen. So, Apnil is asking, can he put paneer in this? बिल्कुल खबरदार. इसमें अगर पनीर डाला ना तो मैं घर आके पीटूंगी. Okay, ये पालक पनीर नहीं है. ये सरसों का साग है, जिसे आप मक्की की रोटी के साथ खाओगे. Okay, पालक पनीर अलग डिश होती है. वो आप अलग से बनाना. बनाना है डालना है डाल दो बहुत ही गंदा टेस्ट है ओके तो अब आइडियली आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं लेकिन आई एम नॉट डूइंग दैट आई एम जस्ट एडिंग इट टू माय तड़का एंड इसी में मैं इसे और पका लूंगी सो आई थिंक आई एम गोइंग टू
टेक आउट माय बिगर लेडल. वो स्टील वाला लेडल कहाँ गया मेरा जो आपने पहले दिया था मुझे? अच्छा ठीक है, छोड़ कर लिए. अच्छा अच्छा हाँ. तो इसमें तड़के में डाल के क्यों नहीं हो सकता? क्यों, क्या हो जाएगा? हाँ ये ठीक है, लेकिन मैंने अगर इसे तड़के में डाल दिया और फिर आटा मिलाया तो क्या हो जाएगा? क्यों इसमें पक रहा है? अभी हमारी लड़ाई हो रही है नीलम दीदी के साथ, क्योंकि वो बोल रहे हैं नीलम रेसिपी जो है वो यही है कि इसमें थोड़ा आटा पड़ना चाहिए. क्यों? ये जो पानी भी दिख रहा है ना, इसे आप पकाओगे तो होगा वो कम भी होगा, एंड मक्की का आटा जब आप मिलाओगे तो वो जो पानी सेपरेट होता है वो नहीं होता है. सो किसी ने कॉमेंट में बोला है सरसों के इसमें मक्के का आटा. हाँ हाँ पड़ता है मेरी माँ, मुझे पता है पड़ता है. एंड इस स्टेज पे इसलिए मैं सोच रही थी क्यों मैंने मथानी रखी थी, इस स्टेज पे डालने के लिए रखी थी. तो उसके बाद मैंने अभी सोचा कि भाई अगर हम तड़के में डाल दें और फिर मक्की का आटा डालें तो क्या होगा, क्योंकि पक तो उसमें भी रहा है. लेकिन नो लॉजिक, ठीक है वो बोलती नो लॉजिक. हाँ तो लॉजिक नहीं है तो फिर क्या 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 जो परंपरा बनी है वो ही फॉलो होनी चाहिए. ठीक है जी, ओके सॉरी, अग्रीड एक्सेप्टेड. कविता सिंह यू शुड डू मेरे घर का खाना इन योर स्टूडियो ओनली. मैं स्टूडियो ओनली, ओके फाइन डन. सो यहाँ पे आपको वो कार्टून कमेंट्री भी मिलती रहेगी साथ साथ में. अच्छा अब जब मैं इसको मिला रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा गट्टे और लग रहे हैं. आई थिंक मुझे थोड़ा सा और ब्लेंड करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक कम है ना, जल्दी से मुझे हैंड ब्लेंडर दे दे. अरे मेरा टाइम बीत रहा है. हाँ और ये तो बहुत अच्छा है, डोंट वरी, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है. ओके यहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं और मज़ा भी आता है और जगह भी ज़्यादा मिलती है. दैट्स द ओनली थिंग यू नो, यहाँ पे मुझे बहुत जगह मिलती है. बड़ा सा किचन है, पकड़ लिया मैंने. देखो ऑन तो नहीं है ना, नहीं तो मेरे हाथ में ही शुरू हो जाएगा. थोड़ा सा आई वॉन्ट टू ग्राइंड इट मोर, आई कुड एक्चुअली अवॉइड इट एंड बट देन आई वॉन्ट इट टू बी एज ऑथेंटिक एज इट कैन गेट. थोड़ा सा दूर रहो, यू नेवर नो. Can we make it without onion garlic? No, onion garlic तो main है इसमें. अगर आप onion garlic नहीं खाते हो तो बना के देखो, बटर धूप सारा डाल देना, उससे शायद फर्क पड़े. लेकिन ideally तो the flavor is of the garlic. आपने देखा मैंने कितना garlic डाला है. नीलम दीदी अप्रूव, ऑल ओके, टेक दिस आउट. मुग्धाज आर सेइंग कैन यू पुट द तड़का इन द कुकर ओनली इंस्टेड ऑफ पोरिंग इट इन द कढ़ाई. यू नो लाइक आई सेड आई हैवंट मेड द होल, आई एम नॉट पुटिंग तड़का इन द होल पालक. जैसे मैं शुरू से कह रही, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ बाय द वे. ओके हल्का सा कलर, वैसे तो यू डोंट नीड color because you want that green, but just a little pinch of red mirch really elevates the flavor and the color of the onions and the tomatoes. So thoda sa maine dal diya. Kya nahi, main ab nahi aapki baat sunungi, sorry. Inko bahut acha lagta hai bahut sara aata dalna, main nahi dalna, mujhe nahi nahi dalna, mujhe nahi dalna. Acha theek hai. अब हमारी एक बात की हमेशा लड़ाई चलती रहती है कि भाई ये जो मक्की का आटा पड़ता है ये डालते हैं करीब पांच से छह चम्मच. मैं डालती हूँ 1 से 2 चम्मच, बिकॉज मक्की का आटा का क्या रोल है? रोल ये है कि इट जस्ट हैज टू ब्रिंग द पालक टुगेदर एंड इट हैज टू यू नो स्टॉप द सेपरेशन ऑफ द पालक फ्रॉम द वॉटर. ओके अब आप उसमें दो, अगर आपने इतना सारा मक्की का आटा डाल दिया इसमें तो मक्की की रोटी साथ में खाने की याद होता है, यही खा लो मक्की का आटा भी इसी में, रोटी भी इसी में, पालक भी इसमें. तो मैं नहीं मानती, मैं 2-2.5 चम्मच डालती हूँ. दीदी जी डालते हैं बहुत सारा, इसे थोड़ा सा उबाल लेना होता है. दिखा दो एंड ये बहुत अभी मेरा उस पर आएगा, ये बहुत ऊपर आके फ्लफ अप होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जब उड़ता है, उबाल आता फ्लटर, है उसपे. फ्लटर करता है तो बेसिकली
इसलिए उसको थोड़ा ढक के रखना होता है एंड हल्का सा इसमें उबाल आ जाए. व्हाई वी वांट टू डू इट, बिकॉज उसे हमें पकाना है ताकि वो जो मक्की का आटा हमने डाला है वो उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए. तो वो उधर हो सकता है एंड यहाँ जब हम तड़का लगा रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है क्योंकि वो भी हम थोड़ी देर पका ही रहे हैं. तो मैंने थोड़ा सा गैस वहां कम कर दिया. अब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ यहाँ पे जो जिसे मुझे तड़का लगाना है. सो एंड उसे मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी बिकॉज ये जो पालक, ये देखा कैसे पटक रहा है, मेरे फोन को बचाना प्लीज. ओके तो ये तो इधर पके. देखा देखा देखा, मैंने बोला था ना, वेल डन, कपड़े में भी आया उसके. ओके नाउ बिफोर आई स्टार्ट मिक्सिंग इट आई वॉन्ट टू सी जस्ट शो दिस, सी द सेपरेशन ऑफ दैट रेड एंड दिस ग्रीन एंड देन व्हेन आई मिक्स इट. Ooh la la, just look at that. How lovely does it look? And now we're gonna let it cook a little longer. Iska bhi dhakkan de de please. Tadke ke jo kadhai hai uska. Iska steel ka dhakkan hai lekin agar mere liye pehle steel ka leya abhi ke liye. And अगर यू कैन फाइंड मी इसी साइज का कांच का, then it'll be nice so that people can see it also. Or I can talk to you all till then. So I'm just gonna let it cook. So it's very important for it to cook a little. Why? Because you want that मक्की का आटा जो हमने कच्चा आटा मिलाया वो अच्छे से उसमें पक जाए. ओके तो ये स्टोरी है. अब आपने नीलम दीदी को फॉलो करके चार पांच चमचे डालने हैं तो डाल लेना. मैंने दो ढाई डाले हैं. रेसिपी में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, मैंने वो पता चल जाएगा जब कैप्शन आएगा. मैंने ही लिखा है एंड मेरा जो भी मूड था उसे मैं लिख दिया. सो यहाँ जो मेरी मक्की की रोटियाँ हैं, आई एम गोना स्टार्ट डूइंग काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन. तो ये जो मक्की की रोटियाँ हैं, हाँ तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा घी या मक्खन एक साइड में लगा के दोनों में चपोड़ देते थे. दैट्स अ वेरी पंजाबी टर्म, दोनों को ऐसे करके ना जस्ट चपोड़ो. फाइन, तो खूब सारा बटर लग गया तो दोनों को चपोड़ दो और इस तरह से रख दिया. अब साथ में आया, अच्छा लस्सी देनी है तो फिर ऐसे ही वाले ग्लास में दो ना, इतने फैंसी ग्लास में क्यों दिया, इसमें तो मैं स्मूदी सर्व करती हूँ. गुड़ साथ में एंड ये मूली जो बहुत ही छोटी छोटी देखने में है, आई डोंट लाइक देम एट ऑल. आप विलेजेस में जाओगे तो ऐसी लंबी लंबी मूली विद द स्टेम विद द लीव्स आपको मिलेगी. तो ये पार्ट प्रेजेंटेशन रेडी है और साथ में लस्सी जी बनाया है, पर ये मेरे स्मूदी के ग्लास में बनाया है. अगर आपने मेरी स्मूदी की रेसिपीज नहीं देखी है तो गाइड में जाइए, बहुत सारी स्मूदीज बनाई है मैंने, लवली रील्स. क्या क्या क्या, हाँ हाँ अच्छा उनको पूछा था तो जो कैमरे के पीछे हैं उनकी गलती है कि उन्होंने ये फैंसी सा ग्लास दिया, पर होना चाहिए पीतल का बड़ा सा बड्डा जहा ग्लास जिसको आप आराम से लेके खा सकते हैं. एंड लुक एट दिस, Looking beautiful, isn't it? मुंह में मेरे भी पानी आ रहा है. रात का डिनर सेट है. एक्चुअली मैं रात को नहीं खाऊंगी, इसे कल खाऊंगी. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, कि आप जब सरसों का साग बनाएं, ऑफकोर्स मक्की की रोटी तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, लेकिन जब आप सरसों का साग बनाएं प्लीज एक दिन पहले बनाएं एंड खाएं अगले दिन, बिकॉज उसका जो फ्लेवर आता है ना, जो अगले दिन वो साग जो अपने सारे फ्लेवर्स को छोड़ता है इन टू ईच अदर, द वे इट अमैलगमेट्स विद ईच अदर, ट्रस्ट मी उसका मजा ही अलग है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आप बना के भी रख लो, बिकॉज यू कैन यूज इट फॉर मच लॉन्गर, बिकॉज जितना पुराना सरसों का साग होगा उतना ज्यादा टेस्टी होगा. ओके एनी क्वेश्चंस बिफोर आई डू द फाइनल प्रेजेंटेशन, एंड आर वी गुड विद आवर टाइम? एनी क्वेश्चंस? We're not good with our time. 20 minutes. Oh my god. We are over. Oh my god. Vitali, I hope you are screen recording. Otherwise, I will kill you. It tastes best the next day. Yes. Okay. So, if there are any questions, I don't think I can take them. And I must do the final presentation before. I cannot share this live and it becomes like that. Dhuam mutton jo maine banaya tha. I was very upset. Usse mujhe, main share hi nahi kar paayi. So, I had to edit it and do a lot of tam jham. So, now I'm not going to take a chance. I'm going to serve it. Shanti andar please. And there you go. Ye lal mirchi ko to upar leke aaye. And yum yum yum. My sarso da saag and makke di roti with gud and mooli is ready.
Finally, I lived up to my promise, and I hope you like it, and I hope you enjoyed today's live. And want a selfie? No, don't try all of that because I may just mess it up. You all know I love you all, and thank you for always joining in such big numbers. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and don't forget to watch this and make it and share me loads and loads and loads of pictures. Okay, I want to see all of you make it before season khatam ho jaye. Guys, make sarso ka saag, makki ki roti, and tag me in all your pictures. Yes, you want to see somebody wants your diet chart? It's on the website. Okay, so my diet chart is on my website www.amritarajan.com. Please have a look, and bye bye.